पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ सट्टा और अवैध हथियार, अवैध खनन, परिवहन, अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूरिया और SDOP करेरा संजय चतुर्वेदी के कुशल मार्गदर्शन में कल दिनांक 9 जून को रात्रि में थाना करेरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुंगावली तिराहे हाईवे रोड पर एक व्यक्ति अवैध पिस्टल लिए वारदात करने की नीयत से घूम रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी करेरा निरीक्षक सुरेश शर्मा द्वारा सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और पुलिस टीम की मदद से पकड़ा। उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम पवन, निवासी दुर्गापुर, थाना प्रेमनगर, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश का होना बताया है। उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर आरोपी की बाई तरफ कमर से एक लोहे की 32 बोर की पिस्टल और 2 जिंदा राउंड मिले हैं, जिसे विधिवत जब्त किया गया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, कल कोई हथियार के साथ कोई आरोपी आपने पकड़ा है, क्या कुछ पूरा मामला था? पिस्टल ये खड़ा है जी, उस सूचना पर से मोबाइल तरफ बचती गई तो आरोपी पवन परिहार है, जो झांसी के रहने वाला है, उसके कब्जे से एक 32 बोर पिस्टल मिली है जी। तो 2 जिंदा राउंड मिले, पुराना भी कुछ सर इस पर कोई रिकॉर्ड है? उसका झांसी से मोबाइल आ रहा है जी, अभी यहाँ अपने करेरा में कोई अपराध। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।